सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को अच्छा कर लें तो संसार में हम हर समस्याओं से बच सकते हैं। हम अपने स्वभाव में वह उतार नहीं पाते जो हमको उतारना चाहिए। हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमारे तन मन का स्वभाव, अर्थात मन पर नियंत्रण हो, तन पर भी नियंत्रण हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, तन में नियंत्रण होगा तो संसार का यह जो व्यापार है, संसार का जो व्यवहार है, इन व्यापारों में, इन व्यवहारों में कभी भी हम अकल्याण को या अपयश को या अंधकार को, अज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का अभाव दूर हो जाएगा, अन्याय दूर हो जाएगा। हम अपने जीवन में यह दिव्य स्वभाव उतारने का प्रयत्न करें जिससे प्रतिपल एक सुंदर सा कार्य हो, हम कभी भी एक पल के लिए निराश हताश न हो। और इस प्रकार से निराशा हताशा आती है तो व्यक्ति का जीवन कष्टकारी हो जाता है, क्रोधमय हो जाता है, क्योंकि जो हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, इच्छाएं दुख का कारण है, कामनाएं ही दुख का कारण है। और दुख आता है, क्रोध भी आता है, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। अगर छोटी छोटी बातों पर वह ध्यान से कार्य करे, ध्यान उसका लगा रहे कि मुझको अपने माता पिता गुरु के अनुसार चलना है, वेदों का जैसा उपदेश है उस परम पिता परमेश्वर की कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है वैसा ही जीवन मैं जीऊँगा, तो समस्याएँ आएंगी भी तो चली जाएंगी, कष्ट आएगा भी तो नष्ट हो जाएगा, संकट आएगा वो भी टल जाएगा। तो ये हमको बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए और यही उपनिषदों का, वेदों का, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों का उपदेश रहता है कि हम अपने जीवन को निष्पाप बनाएं, अपने जीवन को क्रोध से बचाएं, अपने जीवन को लोभ से बचाएं, क्योंकि क्रोध से मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। ये मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, स्वयं शरीर से भी मन से भी दुखी रहते हैं। तो आज का यह प्रसंग बहुत सुंदर है, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 47वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूँ, जो बहुत सुंदर बात कही है, क्रोध से मार्ग भ्रष्ट ना हो, हम क्रोध ना करें, क्रोध से हमारी जो सामर्थ्य वो घटने लगती है, इस प्रकार से हम इसको बचाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम न तम तिग्मम न तम तिग्मम चना त्यजो
तेजो ना द्रासदभि द्रासद भी तम गुरु यस्मा उ शर्मा यस्मा उ शर्मा सप्रथ आदित्यासु आदित्यासो आराध्वम अनेहसो आराध ताने हसो वा ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ऋग्वेद के 8वें मंडल का 47वां सूक्त है यह, जिसका यह 7वां मंत्र है। नातम तिग्मं चना त्यजो नाद्रासदभीतं गुरु यस्मा शर्मा सप्रथा आदित्यासो आराध्वमनेहसो व ऊतयः सूतयो व ऊतयः। ॐ नतं तिग्मं च न त्यजो नाद्रासदभीतं गुरु
यस्मा शर्म स प्रथा आदित्यासो अराध्वम अनेहसो वऊतयः सूतयो वऊतयः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे आदित्यासः, अच्छाइयों का आदान करने वाले देवों, हमारे अंदर जो शक्ति कार्य करती है उसमें देवत्व का भाव, देवत्व का मिश्रण होता है, और जो कुछ भी है, वाणी हो हमारी, चाहे हमारा मन हो या इंद्रियां हो, ये देवत्व से युक्त होंगी तभी हमारे जीवन में कल्याण आएगा। क्योंकि जब तक देने का भाव नहीं होगा, जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, जो कुछ भी उस परमपिता परमेश्वर से हमको मिला है, हम उसको दूसरों के लिए नहीं देंगे तो कैसे कार्य होगा। हमको देखने का भी, सुनने का भी, समझने का भी, कर्म करने का भी, जो कुछ भी सामर्थ्य मिलता है, किससे मिलता है? ईश्वर से मिलता है। और वह हमको दूसरों के सेवा में, सदाचार में, परोपकार में लगाना हमारा ये परम कर्तव्य है। इसलिए यस्मा, जिसके लिए आप निश्चय से विस्तृत शर्म शरण को आराध्वम देते हो, तम उस व्यक्ति को तिग्मम चना, बड़ा तीव्र भी त्यजा, जो त्यजा यहाँ क्रोध का वाचक है, जो क्रोध है न द्रासत, कुत्सित गति वाला नहीं करता है। जिसके जीवन में अच्छाई है, जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में अपने वेद के ज्ञान के अनुसार, शास्त्र के ज्ञान के अनुसार, या जिसने संयम को प्राप्त किया है अपने माता पिता गुरु से, उसका जीवन सदा सर्वदा सर्वत्र इतना उत्तम होता है कि वो विषम परिस्थितियों में भी क्रोध का शिकार नहीं बनता। नहीं तो क्रोध व्यक्ति को आता है और वो स्वयं के शरीर में आग लगा लेता है, क्रोध व्यक्ति को विनष्ट कर देता है, क्रोध से व्यक्ति का शारीरिक सामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है, क्रोध से व्यक्ति का मानसिक सामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना। क्रोधी व्यक्ति को आप कभी उसका जो है परीक्षण करिए, कभी उसको देखिए कि जब उसके अंदर क्रोध हो तो क्रोध से व्यक्ति लाल पीला हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। वो क्रोध में बाहर जाना चाहता है, उसको बाहर जाना होता है तो अंदर की ओर जाएगा, और अंदर जाना होगा तो बाहर की ओर जाएगा। उठाना कुछ है, उठाएगा कुछ, बोलना चाहता है कुछ, और शब्द निकलेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि क्रोध का ये चमत्कार है, क्रोध से व्यक्ति अपने जीते जी शरीर में आग लगाता है। एक तो मरने के बाद तो आग लगती ही है, लेकिन जब व्यक्ति सजग नहीं होता है तो उसका क्रोध उसको जलाता है। जैसे अग्नि भोजन पकाने के लिए जलाते हैं, और कहीं कहीं अब तो नल लग गए हैं, वाटर लेवल नीचे तक कलाते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। ऐसे बहुत गांव हैं, बहुत ऐसे शहर हैं, नगर हैं, जहाँ का पानी खारा होता है, जहाँ के पानी में दाल और चावल जल्दी से पकते नहीं हैं, तो वहाँ दूसरे मीठे जल लाते थे दूर से। क्यों? क्योंकि खारे जल में जब दाल पका रहे हैं तो ईंधन तो खूब लग गया, लेकिन दाल पकी नहीं। ऐसे ही व्यक्ति जो कहते हैं कि नहीं, क्रोध हमको करना पड़ता है, क्यों? काम कराने के लिए लोग मानते नहीं, क्रोध करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध दूसरे जानबूझ करके कराते हैं कि अभी देखो इसका क्रोध कैसा बढ़ेगा, उसको जबरदस्ती क्रोध कराएंगे कि अब देखो इसकी गतिविधि कैसी चलती है, और वो चुपचाप आनंद लेते रहते हैं, मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, और जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो अपनी हानि कर लेता है, अपना स्वयं उसके शरीर का, उसके जो है बुद्धि का क्षय होता है। इसलिए यहाँ पर ये वेद मंत्र में कहा कि न तिग्मम न च, जो उसका क्रोध है, जो अध्यात्म मूल में रखता है,
जो योगमय जीवन जीता है, जो अध्यात्म को मूल में रखता है, केंद्र में रखता है, वो क्रोध करता नहीं है। और क्रोध कभी आ भी जाए तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा कहते हैं, एक क्षण में अपने स्वभाव में प्रवेश कर जाइए। तो क्रोध आए तो क्रोध को तुरंत तत्क्षण कंट्रोल में भी करने का सामर्थ्य उसको मिलता है। जो व्यक्ति ऐसे जीवन को जिएगा, वास्तव में वो कभी कुत्सित गति वाला नहीं होता है, ना द्रासत, जो वेद मंत्र में कहा ना द्रासत अभी तम गुरु, उसको गुरु महान क्रोध भी ना द्रासत कुत्सित गति वाला नहीं करता। यदि उसको कभी क्रोध आ भी जाए तो जिसके जीवन में अध्यात्म है उसको पता है कि कितना क्रोध करना है। बाहर से तो लगेगा और बहुत क्रोध कर दिया, लेकिन अंदर से वो शांत रहता है, अंदर से उसका जो है वो भाव नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से क्रोध करता है, बिल्कुल हिल जाता है वो, उसका शारीरिक सामर्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है, रोगी हो जाता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र कभी ठीक नहीं रहता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा, और जितना व्यक्ति दुर्बल होता है क्रोध उसको उतना ज्यादा आता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध जब अध्यात्म का आलंबन लेंगे, गुरु का आलंबन लेंगे, हम जब भक्ति के साथ जीवन को जिएंगे, तो क्रोध हमको सताएगा नहीं। हे आदित्यासु, आपके ऊतयः रक्षण अनेह सह निष्पाप हैं। आपके ऊतयः रक्षण सुऊतयः, उत्तम रक्षण वाले आपके रक्षणों से रक्षित होकर हम निष्पाप बनते हैं, हम पाप नहीं करते हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट से बच पाते हैं। ये आदित्यासो, जो आदित्यों से रक्षित हुआ हुआ पुरुष तीव्र और महान क्रोध से कुत्सित गति वाला नहीं होता। क्रोध के कारण यह कभी भी ऐसे कोई कर्म नहीं कर देता है जिससे उसको बाद में पश्चाताप हो। नहीं तो क्या होता है कि क्रोध आया और व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या कर बैठा, बाद में फिर पछताता रहता है। तो फिर पाछे पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक घटना है हरियाणा की, बहुत पहले गुरुजी ने कई बार सुनाया और सच्ची घटना। वो उनके घर में केवल दो ही प्राणी रहते थे, पति पत्नी रहते थे। तो एक बार जो है पति को किसी जो है चीज में गुस्सा आ गया, उसने बहुत उसको डांटा, क्रोध भी ज्यादा आया। तो कोई जो है सरिया पड़ी थी, लोहे की छड़ पड़ी थी, उसके सिर पर उसको जो है मार दिया। और जैसे सिर पर मारा तो उसकी पत्नी वहीं पर धराशायी हो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मृत्यु हो गई उसकी। और जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या होना था, खूब छाती पीट पीट रोए कि मैं तो ऐसा नहीं मारा था, वो तो मैं तो मतलब स्नेह, पूरे गांव के लोग कहते हैं तो बहुत स्नेह से रहते थे दोनों पति पत्नी, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो एक क्षण का क्रोध व्यक्ति को पूरे जीवन उसकी भरपाई नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध व्यक्ति को कुत्सित बना देता है, क्रोध व्यक्ति को जो है विचारहीन कर देता है। गीता में भी कहा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। कामात् कामनाओं से क्रोध आता है, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। ये क्रोध आने पर व्यक्ति विभ्रम पाल लेता है, वो मोह वैचित्य, उसको पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, मोहात स्मृति विभ्रमा है, सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इतना ये जो क्रम है ये क्रमिक घटता है, लेकिन जो शास्त्रीय ज्ञान रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो सहनशील होते हैं, वो धीर वीर गंभीर, यदि कभी उनको क्रोध आ भी जाए तो वो नियंत्रण करने वाले हैं, क्रोध ज्यादा वो करते नहीं कभी। तो इसलिए कहा कि क्रोध जो है, पद्म पुराण में भी यही बात कही कि क्रोधा करोति मोहानमपि दीक्षाम उपाश्रितम्। क्रोध करोति, जो क्रोध जो व्यक्ति करता है, क्रोध करने से बड़े बड़े लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोह के बंधन में आ जाते हैं। क्रोधा करोति मोहानमपि
दीक्षाम उपाश्रितम, जो क्रोध दीक्षित जो है व्यक्ति हैं, अर्थात क्रोध जिनका स्वभाव ही हो गया क्रोधी, अरे ये तो स्वभाव क्रोधी व्यक्ति है, डरते हैं लोग, अरे पता नहीं कब इसको गुस्सा आ जाए, तो ऐसा जो क्रोधी व्यक्ति है ना वो मोहांध हो जाता है, अंधा हो जाता है मोह में। क्रोध कब आएगा? किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से उसका जो लगाव है, जो राग है, जो अटैचमेंट है, उसी कारण उसको क्रोध आएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और चाणक्य के सूत्र में भी कहा कि आत्मनेम एनम नाशयति अनात्मवताम कोपहा, कि अपने पर जिनका बस नहीं चलता, व्यक्ति बेबस हो गया, लाचार हो गया, क्या करे, बस नहीं चलता, स्वभाव को बदलना संसार में सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी मुसीबत है, कठिन है ये, नेचर को चेंज करना, अपने स्वभाव पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता तो व्यक्ति जीवन में कभी बदल नहीं सकता, और धीरे धीरे यदि जागरूक हो गए तो बदल भी सकता है। परमपूज्य स्वामी जी महाराज भी कई बार कहते हैं ना कि सबसे कठिन काम यही है, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना। तो चाणक्य भी कहते हैं कि अपने पर जिनका बस नहीं है उनका क्रोध अपने को ही नष्ट करता है, दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं पता नहीं, जैसा बताया कि वो हमको देखना चाहते हैं कि हम क्रोध में क्या क्या कर बैठते हैं, क्या क्या बोलेंगे, और वो चुपचाप आनंद लेते रहते हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। हम दूसरों के हाथ में रिमोट है, उसकी हम कठपुतली बन जाते हैं, वो चाहे तो हमको थोड़ा सा प्रसन्न कर दें, चाहे तो क्रोधित कर दें, चाहे तो नचा लें, चाहे तो गवा लें, हम दूसरों के रिमोट कंट्रोल के कठपुतली बन जाते हैं। ऐसा हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रोध का आवेग आता है और जो है मनुष्य को निसंदेह बहुत ही हानि पहुंचा करके जाता है। इसलिए हर्षचरित में भी कहा कि अति रोषेण चक्षुष्मानंध एव जनः, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति आंखें रहते हुए भी मानो अंधा हो गया है। कितनी बड़ी बात कही कि अति रोषेण चक्षुष्मानंध एव जनः, चक्षुष्मान जो चक्षु वाला व्यक्ति है वो भी समझो कि अंधा हो जाता है। अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को जो है कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि कौन है ये, मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। कभी आपने भी कभी अनुभव किया होगा जीवन में कि क्रोध आने पर पता नहीं चलता किस क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और फिर पश्चाताप होता है, अरे मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत कर दिया मैंने। इसलिए जो है अन्य स्थान पर कहा कि नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो रिपुः, क्रोध से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं है, इसलिए क्रोध मत करें। और एक स्थान पर हर्षचरित में और हाँ ये उसमें पुराण में भी है ये, और हर्षचरित में कहा कि नहीं कोप कलुषिता विस्मृति मति ही कर्तव्यम अकर्तव्यम वा, कि क्रोध से कलुषित बुद्धि, क्रोध से सनी हुई बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार नहीं कर पाती, विवेकवती नहीं होती। विवेक क्या है? विचिर पृथक भावे। विवेक क्या है? चीजों को अलग अलग देखना, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या हे है क्या उपादेय है, और वही जब नष्ट हो जाए क्रोध से तो उसको पता ही नहीं चलेगा, तो विवेक खत्म हो गया। तो हम क्रोध से बचें और ईश्वर की भक्ति के साथ जीवन को जिए, आनंद के साथ अपने स्वयं के संस्कार को, घर परिवार को, संसार को शुभ से भरने का प्रयत्न करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।